इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। बीकानेर, राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर जो आज आधुनिकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी शहर के बीचों बीच स्थित है जूनागढ़ किला। ये ऐतिहासिक किला 400 साल से बीकानेर के इतिहास का गवाह है। 15वीं शताब्दी में ये इलाका बंजर और वीरान रेगिस्तान हुआ करता था, जिसे जंगलादेश कहा जाता था। हुआ ये कि 1465 में राव बीका, जो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनकी अपने पिताजी के साथ अनबन हो गई। गुस्से में उन्होंने जोधपुर छोड़ अपना स्वतंत्र राज्य बनाने का निश्चय किया। सन 1488 में देशनों की करनी माता के आशीर्वाद के साथ उन्होंने बीकानेर शहर और एक छोटे से किले की स्थापना की। इसके करीब 100 साल बाद सन 1599 में राव बीका के वंशज राजा राय सिंह ने इस भव्य किले का निर्माण किया। इस किले का नाम कामनाओं को पूरा करने वाला एक काल्पनिक रत्न चिंतामणि के नाम पर चिंतामणि किला रखा था। जैसे सदियां बीतती गई, इसे जूनागढ़ या पुराना किला कहा जाने लगा और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। सन 1588 से सन 1902 तक लगभग 314 साल बीकानेर के महाराजाओं ने यहीं से अपनी रियासत पर राज किया। इस किले पर कई बार हमले हुए, पर यह किला अभेद्य रहा। जूनागढ़ राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक है। किले के अंदर बीकानेर के महाराजाओं ने भव्य महल, सुंदर बाग और 12 दरियों का निर्माण किया। ये किला राजस्थानी वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। किले के अंदर सबसे सुंदर चौक है करण महल चौक, जिसे महाराजा करण सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब की फौज पर अपनी विजय के स्मरणार्थ बनाया था। फूल महल अपनी सुंदर कलाकृति और दीवारों पर बने चित्र के लिए जाना जाता है। किले के अंदर एक संग्रहालय भी है, जहां पर बीकानेर के राजाओं के शाही चिन्ह और कई दूसरी चीजें देखी जा सकती हैं। यहां पर बीकानेर महाराजाओं का एक छोटा सा पलंग है। उसे छोटा इसलिए बनाया गया है ताकि कोई हाथ पैर बांधकर महाराजा की हत्या की कोशिश ना करे। यही से बीकानेर के राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार किया। उस समय में बीकानेर अफगानिस्तान और पंजाब से गुजरात जाने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित था। इससे महाराजाओं की ताकत और संपत्ति काफी बढ़ी। सन 1805 में महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर किले पर कब्जा कर अपने राज्य की सीमा पंजाब तक बढ़ाई। आज भटनेर को हनुमानगढ़ कहा जाता है। जूनागढ़ के किले में ही बीकानेर के सबसे महान और प्रगतिशील शासक महाराजा सर गंगा सिंह का जन्म सन 1880 में हुआ। उनके राजगद्दी संभालने के बाद ही एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें काफी जान और माल का नुकसान हुआ। राज्य पर ऐसी परिस्थिति फिर कभी न आए, इसलिए महाराजा गंगा सिंह ने गंगा कनाल का निर्माण किया। इस कनाल ने रेगिस्तान का चेहरा ही पलट दिया। आज भी आप रेगिस्तान के बीच घनी हरियाली देखकर दंग रह जाते हैं। सन 1902 में महाराजा गंगा सिंह ने अपना स्वतंत्र महल लालगढ़ पैलेस बनाया और किला छोड़ वहीं रहने चले गए। आज जूनागढ़ किला बीकानेर राज परिवार की निजी संपत्ति है। किले का राजनैतिक महत्व खत्म हो गया है, पर देश के सबसे सुंदर किलों में से एक ये किला आपको आकर्षित करना नहीं छोड़ता।